हेलो गाइस, रास्ता बंद हो चुकी है और हम पैदल चल रहे हैं। हमें 6 किलोमीटर से हम 7 बजे से पैदल चल रहे हैं और 11 बजने वाला है। रेहान देखो थक गया और रेहान ने जैकेट पहन ली है। रेहान को बहुत ठंड लग रही है और देख सकते हैं भाई अभी हमें 10 किलोमीटर और पैदल चलना है। बात ऐसी है कि पहले तो मेरा फ़ोन आया, पहले मैं फ़ोन रिसीव करूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही है और देख सकते हो आप लोग बर्फ़ लगी है कि हम रोड पर चल नहीं सकते, रोड पर फिसल रहे हैं। तो आइए आगे दिखाता हूँ मैं आपको बर्फ़ की। गाइस बहुत बर्फ़ है लेकिन हमें ठंड लग रही है कुछ देर। भाई मैं कह रहा कि कार ले ले पहिए वाली। भैया चलो, भैया चलो, मैं और भाई क्या चल रहा है? चल तुम्हें भैया, इतनी देर की राइड करने के बाद, इतनी ऊपर चढ़ने के बाद, इतनी मुश्किल में तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से व्यू देख सकते हो आप लोग कैसा दिख रहा है। तो हाँ भैया, हम लोग अभी माल रोड आए हुए हैं और पीछे देख सकते हो आप लोग में कितना जाम है, बहुत ज़्यादा जाम लग चुका है और गाड़ियाँ फिसल रही हैं यहाँ से। तो बहुत स्लो गाड़ी निकालना है सभी लोग। और गाइस मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, आप यहाँ की लोकेशन देख सकते हो, यहाँ का व्यू मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इस रोड पर भी जाम लग चुका है और गाइस अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ और आगे जाके दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। और फिर इसके बाद में हम सीधे नीचे उतरेंगे। अभी मैं 2-3 टिकटॉक की वीडियोज़ हैं वो बनाऊँगा और फिर नीचे उतरेंगे। नीचे का सीन दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अभी ऊपर आए हुए हैं, देख सकते हो मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ। अभी नीचे बस है और मैं ऊपर हूँ और इधर का व्यू देख सकते हो आप लोग, कितना शानदार व्यू है। मतलब कि एक कश्मीर जैसा लुक दे रहा है आपको, कश्मीर मनाली जैसा लुक दे रहा है। इस बार नैनीताल में सही बर्फ आ गई है और देख सकते हो पीछे की तरफ। और इसकी इतनी बुरी हालत हो गई, इसके हाथ इतने बुरे सुन हो गए, मेरे भी हाथ सुन हो गए, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप तो अभी भी मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे आके सीधे मैं नीचे ही जाऊँगा नैनीताल के लेक पे, और लेक पे जाने के बाद वहाँ से कुछ खाना है, उसके बाद बस पकड़नी है सीधे नीचे हल्द्वानी, हल्द्वानी फिर काठगोदाम जाना है और फिर वहाँ से सीधे शाम को ट्रेन है 7 बजे की, 7 बजे ट्रेन से फिर निकलना है यहाँ से, ठीक है गाइस? क्योंकि ज़्यादा देर में यहाँ रुक नहीं सकता। तो गाइस आगे का सीन दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो मेरे पूमा के जूते फिसलना है, अफसोस की बात। मैं नहीं लूँगा पूमा, अब लूँगा एडिडास। रेहान में फिसलने वाला था, बच गया। अरे भैया धूप निकली आई, रेहान यहाँ ही बैठ रहा 10 मिनट तो। ले लद्दाख भाई देख के पता है
नीचे 3 किलोमीटर भी उतरना, मैंने कही 12 किलोमीटर मत चल पैदल। We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take a walk. तो हाँ जी भैया, हम लोग नीचे आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो मैं उसी जगह पे आया हूँ जिस जगह पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले झील की तरफ था, उधर बर्फ़ थी और गाइस वो बर्फ़ हट चुकी है और पहले से ज़्यादा अच्छा अब नहीं लग रहा ये चीज़। तो गाइस जब भी आओ तो ये चीज़ मिस मत करना, अगर जहाँ पे बर्फ़ मिले जाओ अच्छा लगे तो आप फ़ोटो क्लिक कर लेना। और गाइस धूप बहुत तेज़ निकल गई है और मुझे अब ठंड नहीं लग रही है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी, अब यहाँ पर ठंड नहीं है ज़्यादा। तो अब कुछ खाना है, भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो अभी झील से आगे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ खाते हैं, उसके बाद में फिर 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो सीन दिखाऊंगा मैं 4 बजे का, ठीक है। हाँ तो भैया 6 किलोमीटर चलने के बाद अब मैं डोमिनोज आया हूँ और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। देखो पिज़्ज़ा कैसा आता है। और गाइस साहिल की भी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है भूख के मारे, तो पिज़्ज़ा अभी खाते हैं उसके बाद फिर देखो नीचे जाते हैं। उसके बाद में हालत बेकार हो चुकी है इसकी भी, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे की तरफ। ओके तो हाँ भैया पिज़्ज़ा खा लिया हम लोगों ने और गाइस पिज़्ज़ा खाने के बाद में जो फीलिंग है ना वो और ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, क्योंकि वो जो भूख थी ना वो थोड़ी बहुत ख़त्म हो चुकी है। अब देखो चाय पियेंगे, झील की तरफ जा रहे हैं, चाय पियेंगे और कुछ और खाने को मिलेगा तो और वो कुछ खा लेंगे और क्या नाम है, उसके बाद में हम सीधे नीचे जाएंगे क्योंकि ठंड का माहौल कुछ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे और 4 बजे हमें निकलना है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अभी, तो गाइस 2 घंटे के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे या फिर 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे 3-3.30 बजे और फिर पहुँच जाएंगे हम 5-7 बजे तक और 7 बजे हमारी ट्रेन है। तो चलिए चलते हैं झील की तरफ। तो हाँ भैया हम लोग अभी नीचे आ चुके हैं अपनी झील की तरफ और गाइस हम लोगों ने चाय भी पी ली है, तो अब हम सीधे बस पकड़ के सीधे हल्द्वानी जा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे ना ठंड कुछ ज़्यादा हो रही है। तो हम नीचे हल्द्वानी जाएंगे और वहाँ पे जाके ट्रेन का वेट करेंगे, तो फिर और वहाँ पे जाके कुछ घर के लिए मिठाई विठाई भी लेनी है, तो फिर स्वीट्स लेनी है, तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। आ चुका हूँ और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और भाई की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हम लोगों ने अपना टाइम अभी तो 5 बजने वाले हैं और गाइस 5 बजने से पहले हमने सोचा कि कहीं घूमने चल रहे हैं क्योंकि 7:30 बजे तक हमें यहाँ पर वेट करना है ट्रेन का, उसके बाद ट्रेन आएगी। तो टाइमिंग अभी कुछ ज़्यादा ही है, 2.5 घंटा आई पूरा, 2.5 से ज़्यादा ही है अभी। तो गाइस हम लोग घूमने आ गए थे, तो घूमने की जगह आपको मैं दिखाता हूँ, लोकेशन देख सकते हो आप लोग, ये डैम है और ये जो पानी आ रहा है बहुत तेज़ पानी आ रहा है यहाँ से और आगे वाला जो डैम है वो बन रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो डैम है ऊपर से वहाँ से आ रहा है और ये नैनीताल की सब पहाड़ी हैं और उस साइड में भी डैम जो बन रहा है ये वाला चालू है, ये खोल रखा है अभी और ये सामने वहाँ तक जाता है। तो गाइस काफ़ी अच्छा व्यू है
और यहाँ के व्यू के बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता, बेहद अच्छा और बहुत ज़्यादा सुकून मिला हमें। हमारी तबीयत यहाँ पे आके काफ़ी अच्छी हो चुकी है और अभी हम लोग 2-2.5 घंटे यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ऐसी है 0.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे जाएंगे, फिर टिकट लेके सीधे घर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो गाइस थोड़ा आराम करते हैं फिर चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हाँ भैया, हम लोग अभी रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और इसको अपना फ़ोन लगाने की ज़्यादा जल्दी थी, फ़ोन चार्ज में लगाया इसने आते ही, और मैंने अभी टिकट ले लिया है और टिकट 45 रुपीज़ का था लेकिन अब 50 रुपीज़ का कर दिया है 1 तारीख से। और गाइस अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 7:30 बजे ट्रेन आएगी, अभी टाइमिंग हो रही है 6:30, 1 घंटे के बाद ट्रेन आएगी, फिर 1 घंटे तक हम यहाँ वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेन का सीन दिखाता हूँ मैं, फिर घर जाना है रामपुर से हमें, फिर बस चेंज करनी है, फिर सीधे घर जाना है, तो चलिए चलते हैं। हाँ तो भैया ट्रेन मिल चुकी है और गाइस मैं अभी ट्रेन में बैठ चुका हूँ और अभी तो 1 से 1.5 घंटे लगेगा रामपुर पहुँचने में से, फिर रामपुर में यार कुछ खाना है, इसके बाद में फिर हम लोगों को बस से जाना है घर पे। तो गाइस वहाँ का सीन दिखाता हूँ आपको, फिर वीडियो को एंड करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है,